नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नए साल के पहले दिन रीवा शहर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में तमाम लोग पहुंचे। सुबह से ही इन जगह पर लोगों के आने जाने का सिलसिला प्रारंभ रहा। रीवा के चर्च की बात की जाए तो आज ईस्टर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। यहां पर फादर ने विशेष प्रार्थना की। उनका कहना था, हम ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, जिसके चलते हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है। रीवा के सर्वाधिक पुराने चर्च के फादर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। महाआरती, हनुमान चालीसा, ओम साईं राम स्तुति, ये नजारा आपने इसके पहले कहीं नहीं देखा होगा। ये नज़ारा दिखता है रीवा में साल में केवल एक बार, वो भी 1 जनवरी को। नौ वर्ष के पहले दिन रीवा के हृदय स्थित साईं मंदिर के बाहर देश दुनिया की खुशहाली, तरक्की की प्रार्थना करने के लिए शहर के तमाम लोग एकत्र होते हैं। इस मौके पर इस बार भी महाआरती का आयोजन किया गया, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, देश दुनिया शहर की खुशहाली, तरक्की की दुआएं की गई। इस मौके पर शहर के प्रथम नागरिक, नगर परिषद अध्यक्ष सहित तमाम गणमान्य लोगों की उपस्थित ने नव वर्ष मिलन समारोह बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया गया। रीवा में एक लंबे समय से लोगों को 1 जनवरी का इंतज़ार होता है। 1 जनवरी को जिस तरीके से आयोजन किया जाता है, इस तरीके का आयोजन शायद ही देश के किसी हिस्से में होता हो। महाआरती, महाआरती के बाद हनुमान चालीसा, उसके बाद ओम साईं स्तुति होने के बाद महाप्रसाद, वह भी 500 किलो के हलवे का प्रसाद वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं को वितरित किया जाता है। ये कार्यक्रम शाम से प्रारंभ होता है और देर रात तक चलता है। अनोखा नजारा देखने के लिए इस बार भी काफी तादाद में भक्तजन यहां पर पहुंचे थे, जिसमें महिलाएं और बच्चों की संख्या काफी ज्यादा थी। पूरी तरीके से पारिवारिक माहौल, पारिवारिक आयोजन, जिसमें जो भी लोग मौजूद थे अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद थे। साल का पहला दिन नई खुशियां लेकर आए, जीवन में नई सौगात लेकर आए, सभी की यही प्रार्थना थी। एक दूसरे से गले मिलकर लोगों ने नौ वर्ष की शुभकामनाएं दी। आपका आने वाला समय अच्छा हो, इसके लिए दुआएं की। कुछ इसी तरीके का नज़ारा हमने रीवा के साईं मंदिर के बाहर देखा। आइए आपको दिखाते हैं कुछ प्रमुख झलकियां।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।